कार कम्युनिटी के बहुत अजीज भाई हैं हमारे। इसके स्विंग्स भी गाइस, ये स्विंग्स देखें, ये मेरे लिए काफी नया था। इसकी जो ये देखें स्विंग कर रही है, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू सूफ़ी की कारगिरी। सूफ़ी की कारगिरी से मैं हूं आपके साथ सुहेब, और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ऑनर रिव्यू ऑफ क्राउन। जो ये गाड़ी है ये है 79 मॉडल और 89 मॉडल सॉरी, और हमारे एक भाई हैं कार कम्युनिटी के बहुत अजीज़ भाई हैं हमारे, शहजाद भाई। ये गाड़ी उनकी है, बड़ी मुश्किल से टाइम मिला, कुछ वो बिज़ी रहते हैं कुछ हम बिज़ी होते हैं, तो बस आज टाइम मिला तो मैंने कहा क्यों ना आपके लिए एक ऑनर रिव्यू लेके आएँ। क्योंकि पुरानी गाड़ी हैं ये, बहुत कम लोग ही प्यार से रखते हैं, जो जिनको गाड़ियों से प्यार है वही लोग इस तरह गाड़ियाँ रखते हैं। अब मूव करते हैं शहजाद भाई की तरफ। हेलो बॉयज, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? तो यार जल्दी से सब्सक्राइब करो यार, बॉय को बहुत मेहनत कर रहा बॉय, वल्ला जल्दी करें बॉयज। ये है जी टोयोटा क्राउन रॉयल सैलून 1989 मॉडल। ये नेवी के यूज़ में थी गाड़ी, नेवी के कमांडर के पास थी ये। 2020 में इस्लामाबाद से ऑक्शन हुई है नेवी से, और ये 2022 में मेरे पास आई है। ये जेन्युइन इंजन है, 2.8 पेट्रोल इनलाइन 6, और ये जेन्युइन बॉडी है एंड जेन्युइन फ्रेम है। ऑलमोस्ट 70% अभी भी जेन्युइन पेंट में है कार। बाकी सूफी भाई आपको बेहतर बता सकते हैं कार, और ये आपको दिखाएंगे भी इंशाल्लाह। ये मेहरून इंटीरियर में है, डुअल एसी है, कूल बॉक्स और ईच एंड एवरीथिंग इसकी कंडीशन है। ये इसके स्विंग्स भी गाइस, ये स्विंग्स देखें, ये मेरे लिए काफी नया था। इसकी जो ये देखें स्विंग कर रही है, आगे मोनो लगा हुआ है। अच्छा शहजाद भाई, हमें ये बताएं कि ये आपने टोटल रिस्टोर की है? ये भजन लाइक बॉडी बेहतरीन थी गाड़ी की, ग्रीन था, तो एज सच इसमें कोई मेजर उस तरह से काम नहीं था। इंजन की वॉल सील्स थी हल्की सी, सिर्फ वही डली हैं, बाकी कोई रिंग्स वगैरह हर चीज। ये जेन्युइन इसकी माइलेज थी 2,33,000। मतलब अगर ये कहें कि गाड़ी ये जेन्युइन है तो गलत नहीं होगा, ये ऑलमोस्ट जेन्युइन है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आप टायर से इसके ब्रांड न्यू डाल दिए थे हमने, फिर एसी का कंप्रेसर था वो भी हमने नया डाल दिया, डुअल एसी की सर्विस थी, कूल बॉक्स की सर्विस थी वो कर दी हमने, फिर इसके चैनल्स वगैरह की सर्विस थी वो हो गए, और ऑयल्स वगैरह सारे चेंज कर दिए, फिर जो जो टायर और डेंट्स थे वो ब्रांड न्यू मिल गए थे वो ब्रांड न्यू डाल दिए थे। हर चीज़ हमने इसकी जो जो रिक्वायर्ड थी वो हमने हर चीज़ बदल दी थी अल्लाह के फजल से। शहजाद भाई आप BMW वाले बंदे हैं, आप इधर किधर? सर बस ये भी एक अलग ही इसकी क्लास है, उसके साथ इसका कंपैरिजन नहीं आप कर सकते, इसकी एक अपनी फील है, उसकी एक अपनी फील है। अच्छा ये जो पेंट है ये इसका अपना है, और आपने सिर्फ इसको कंपाउंड वगैरह किया है? ये कंपाउंड वगैरह किया है, एक फेंडर पे स्क्रैचेस थे थोड़े थे, उस पे जैसे उसको शॉवर करवा दिया था। गाड़ी में कोई आवाज नहीं है मैं देख रहा हूँ, बड़ा मुश्किल है ये इस तरह गाड़ी मेंटेन करना। मैंने जैसे कहा ना कि ये कोई जिसको लव है कार से वही कर सकता है। पिन ड्रॉप साइलेंस है, पिन ड्रॉप साइलेंस है, बाकी ऐसे ही है। शहजाद भाई टॉप स्पीड क्या है इसमें? जो लाइक फील है ना फ्लोटिंग बोट वाली, 100 के बाद आपको ऐसी फील आएगी कि आप फ्लोटिंग बोट में। BM जरा वो फुल चिपक के चलती है, वो और ज्यादा बेच जाती है, तो ये फर्क है। शहजाद भी टॉप स्पीड क्या है? आपने कहा 100, तो कितने पे गए हैं आप? इसको ब्रो मैंने 180 तक चलाया हुआ। अच्छा यस। शॉक्स वगैरह तो इसके बाकी बहुत स्मूथ हैं, तो मजा आया होगा आपको, गाड़ी डोली नहीं होगी? नहीं क्यों डोलना, नहीं देख सकते हैं आप। ये एंड्रॉइड प्लेयर हमने खुद लगाया था, साथ इसमें रियर व्यू कैमरा लगा।
किया था, गाड़ी लंबी है तो जरा अच्छा होता। बटन्स कितने हैं इसके अंदर? ये इसके डुअल एसी के बटन है। अच्छा डुअल एसी है? यस, ये डुअल एसी के बटन था। यार 89 मॉडल में ये चीजें हैं जो कि आज की गाड़ी में नहीं है। इसका पावर एंटीना है, साइड मिरर्स पावर है। अच्छा शिदात भी आप मुझे बता रहे थे इसमें रेफ्रिजरेटर भी है? जी वो पीछे कहाँ पे? यहाँ पे स्पीकर्स होते हैं ना। ओके मैं अभी जरूर दिखाता हूँ, मैं जैसे ही रोकता हूँ तो मैं इसमें जरूर। ये आगे ईगल दिया हुआ है इन्होंने। हाँ जी। अच्छा शिदात भी ये बात हम कह रहे थे इस ईगल की, ये ईगल आपने खुद शौक से लगाई है या गाड़ी को आई है? ये शौक से लगाया भदन, ये जेन्युइन जो इसका लोगो आता है टोयोटा का वहाँ पे वो नहीं मिल रहा था, फिर उस वजह से फिर वहाँ पे हमने कुछ तो लगाना था तो ये बड़ा सूट कर गया कार के साथ। सही। और ये जो मैं आगे देख रहा हूँ आगे फेंडर पे दो लाइट्स हैं, ये जेन्युइन इसमें आती है, लाइक हर क्राउन में आपको मिलेगी, 88 करोला में भी आपको मिलेगी। हाँ जी मैंने अक्सर देखी है उसमें। तो ये इस मॉडल की नहीं मिल रही थी, फिर हमने इसको ये 95 वाले मॉडल की लगवा के इसको मिल गई। अच्छा एक चीज कहनी तो नहीं चाहिए, पूछनी भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर किसी भाई को गाड़ी पसंद आ जाए आपकी जी क्या करेंगे? भाईजान भाई को देखेंगे है कोई मूड सेल का कि नहीं। अगर तो भाई फुल प्यार से इसको रखने वाला होगा तो फिर हम जरूर भाई को इंशाल्लाह। मैं आपके ना बेसिकली चैनल का लिंक दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, अगर किसी भाई को कोई चीज़ ऐसी चाहिए, किसी को पसंद आती है तो वो शहजाद भाई से ज़रूर रब्ता करें इंशाल्लाह, क्योंकि माशाल्लाह गाड़ी बहुत साफ है, मेरा तो दिल कर रहा है मैं खुद ले लूँ। आप ही की है, आप ही की है। शहजाद भाई कहाँ सैर करा रहे हैं हमें आज? सर अभी आपको लेक सिटी लेके चल रहे हैं, उसके बाद हम इंशाल्लाह वहाँ से सब इकट्ठे होके क्रूज करते हुए रिंग रोड से आया जाएंगे। ओके अच्छा ये आप बता रहे थे स्ट्रेट लाइन V6? स्ट्रेट इन लाइन, स्ट्रेट इन लाइन। ओके V6 की लाइक इस तरह शेप हो जाती है, ये स्ट्रेट इन लाइन 6 है। बाकी माशाल्लाह गाड़ी वाकई साफ है, ये अभी तक ये जेन्युइन मैं वही देख रहा हूँ, हालांकि ये बड़ी रेयर है कि ये साफ सुथरी हो। ये भी मेरे ख्याल इसके ओरिजिनल ही है, ये ओरिजिनल जाली ओरिजिनल है, हर चीज ओरिजिनल। क्या बात है, ये न्यू मिल गए थे, ये नए डाल दिए थे। अच्छा ये वाले, अच्छा ये जो शॉक्स हैं इसके ये आपने खुद डाले? हाँ जी ये खराब हुए हुए थे, ये नए लगाए। अच्छा आते हैं इस गाड़ी को? इस गाड़ी को आते हैं। क्या बात है, ये नंदा इसका खराब था, ये हमने खुद इसको कस्टम मेड है वो पता लग रहा है। सही है सही है सही है। अच्छा टायरों की अगर बात करें तो टायर जो है इसके ब्रांड न्यू आपने टायर डाले हैं, क्या इंच है साइज क्या है? ये 15 15 जेन्युइन ही है, मेरा वो साइज जेन्युइन रखा आपने? जेन्युइन साइज है, जेन्युइन। इसमें 185 आता है, इसमें मैंने 205 का डाला है। 205 का डाला है, लेकिन रेडियल सेम है। रेडियल सेम है। डोर्स का साउंड सुना है आपने? जैसे नई गाड़ी की आवाज होती है। बाकी ऐसे है। अच्छा ये तो मैंने एक चीज मिस कर गया हूँ, डोर लाइट्स। यस डोर लाइट्स, नाज़रीन देख रहे हैं ये इनका प्यार है गाड़ी के साथ, वरना ये चलती नहीं होती। अच्छा ये अच्छा मुझे इसका वो दिखाइएगा, एसटी आती है ठीक है, अगर फ्रिज दिखा सकते हैं तो प्लीज दिखाइएगा। क्या बात, क्या बात, चालू है इसके ड्यूल एसी का पीछे सिस्टम, ये भी इसको आता है? ये आता है जी। एंटीना, ये पावर एंटीना,
चलता है? चल जाता। क्या बात है यार, शिराज भी खुश कर दिया आपने। ये क्या पर्पस क्या है इसका? ये डिनर भजन एफएम के लिए, एफएम वगैरह के लिए, वही जो यहाँ देते उन्होंने पीछे दे दिया। शशका ही है ये, इसकी ट्रंक, ये इसका ट्रंक का बटन है। यस। क्या बात है, वो ढूंढना ना पड़े सीट के नीचे, कितना ख्याल रखा उन्होंने कस्टमर का। इसके जेन्युइन कहते हैं जी अभी तक। क्या बात है, अंदर से भी आप गाड़ी देख सकते हैं। नाज़रीन ये देखें, बिल्कुल ओरिजिनल, एक भी जंग नहीं नजर आएगा आपको, एक कतरा भी जंग का नहीं है। क्या बात है शिदाद भाई, छा गए आप यार। दोस्तों इस तरह के प्यारे प्यारी गाड़ियां देखने के लिए ट्यून रहे। शिराज भाई हमारे साथ हैं, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बॉय को बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया शिराज भाई, सुन लिया दोस्तों, सब्सक्राइब लाजमी करें। थैंक यू, इंशाल्लाह आपके लिए बहुत जल्द नई वीडियोस लेके आएंगे जिसमें ऑनर रिव्यू शामिल है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।